उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सियासी जंग अब पूरी क्लाइमेक्स की ओर है। 7 मार्च को अंतिम चरण की वोटिंग से पहले राजनीतिक दलों के तमाम बड़े नेताओं ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस क्रम में आज भगवान शिव की नगरी काशी में सभी दलों के दिग्गजों का जमावड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी में 3 विधानसभाओं में रोड शो कर अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी विशाल रोड शो करेंगे। ये रोड शो मलदिहाया से लहूरा बीर मैदान गिन चौक होते हुए गोदोलिया तक होगा और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बाबा विश्वनाथ मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन के लिए भी जाएंगे। वाराणसी से पल पल की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रोड शो इसी मलदैया चौराहे से शुरू होगा। आप सामने देख सकते हैं मलदैया चौराहा है। अभी यहां पर काफ़ी वाहन निकल रहे हैं। लगभग 2 बजे रोड शो शुरू होगा और इस रोड शो में सबसे खासियत ये रहेगी कि यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर सबसे पहले रोड शो शुरू करने से पहले वो यहाँ पर माल्यार्पण करेंगे और माल्यार्पण करने के बाद सीधे लोहराबीर होते हुए मैदागिन होते हुए विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। विश्वनाथ मंदिर में बाबा भोले को वहाँ पर नमन करेंगे और जलाभिषेक करेंगे। उसके बाद जब मंदिर से निकलेंगे उस गुदौलिया होते हुए सोनारपुरा होते हुए लंका तक जाएंगे। इस रोड शो में भारी भीड़ रहेगी और तमाम बड़े बड़े नेता उनके साथ में रहेंगे और ये रोड शो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जो पूर्वांचल की 56 विधानसभा सीटें जो 7वें चरण में चुनाव जहाँ पर 7 तारीख को चुनाव होने जा रहा है तो वहाँ पर ये कहीं ना कहीं जो रोड शो है इफेक्ट करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी और उसके आसपास क्षेत्रों में बहुत कार्य किया है। अगर हम बात करें हाईवे तो यहाँ से लेके जो पहले प्रयागराज तक का दूरी थी वो काफ़ी समय लेती थी, चाहे कोई वाहन था लगभग 4 घंटे लगते थे। आज की डेट में 1.5 से 2 घंटे तक वाहन प्रयागराज से वाराणसी पहुँच जाते हैं। इसी तरह गाजीपुर की हालत है, तो काफ़ी काम किया है। तमाम फ्लाई ओवर बनवाए हैं और हस्तकला संकुल बनवाया है जहाँ पर शिल्पी आपस में हस्तकला का आदान प्रदान करते हैं। सहारा समय के लिए कैमरामैन शिवेंद्र विक्रम के साथ सुशील कुमार तिवारी।